हे गाइस, वेलकम टू माय एक्सपेरिमेंट ब्लॉग्स। और मैं सुबह कुछ आप लोगों को बोले थे कि छठ पूजा का सब कुछ दिखाएंगे, तो दिखाने फाइनली गाइस हम आ गए दिखाने के लिए। ए, मेरे दोस्त भी आ गया विक्रम। चलिए, पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही दूर बचा है। पहुंचने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल में जाके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ का भी नज़ारा ही कुछ अलग ही है गाइस। तो ऐसे तो बिहार में छठ पूजा 4 दिन मनाया जाता है। पहला दिन होता है कद्दू भात, दूसरा दिन होता है खरना, और तीसरा दिन होता है सूरज डूबे अर्थ, और फाइनली चौथा दिन होता है लास्ट दिन सूरज निकले अर्थ। सब दिखाएंगे गाइस, सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारे लोग आए वहाँ, देखिए आगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, सब दिखाएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा गाइस। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ से लेके बहुत दूर तक लाइन, लंबी लाइन है बिहार में, क्योंकि छठ बहुत मनाया जाता है। देख सकते हैं गाइस बिहार का पर्व कैसे मनाया जाता है। बिहार का पर्व बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। ऐसे तो माना जाता है बिहार का सबसे बड़ा पर्व यही है छठ पर्व। हम लोग अभी बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है, यहीं छठ पूजा हो रही है गाइस पूर्णिया जिला में। और अब आगे चलते हैं, आगे भी हो रहे हैं, वहाँ भी लेके जाएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा गाइस। बस पहुँचने ही वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा गाइस, बस कुछ ही दूरी पे है अब। देख सकते हैं गाइस दिक्कत हो गई, जा रहे हैं नीचे, पानी भी है। देख सकते हैं गाइस छठ पूजा के दिन भी एक मछुआरा मछली मार रहा है गाइस, देख सकते हैं जा रहा है हम लोग को देख के। अब देख सकते हैं मकई खेत होके जाना पड़ रहा है, बस कुछ ही दूरी पे है, वहाँ भी देख सकते हैं गाइस कितना लंबा भीड़ है गाइस, बहुत ही भीड़ है गाइस। बिहार का छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पटाखों के साथ। देख सकते हैं गाइस कितना उत्सव हो रहा है पटाखों के साथ गाइस, लंबा लाइन लगा हुआ भीड़ का। देख सकते हैं पटाखों का आनंद कितना ले रहा है बच्चे लोग, वहां देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन लगी हुई है गाइस। फाइनली गाइस देख सकते हैं टक्कर भी फंस गया है गाइस उसको, अरे टक्कर टोचन कर रहा है फिर भी नहीं निकल रहा है, कितना कोशिश करने के बाद भी नहीं निकला। चलिए दिखाते हैं टक्कर का और सुधार वीडियो आगे। आज लगता है ये टक्कर नहीं निकलेगा, देख सकते हैं गाइस लग रहा है यहीं पर रह जाएगा टक्कर, निकल ही नहीं पाएगा ऊपर भी। बिहार का पर्व कैसे मनाया जाता है या किस तरह होता है सब देखिए। चलिए वहाँ पे और एक टक्कर टोचन कर रहा है, ये टक्कर टोचन करके इसको खींच रहा है, उसके बाद भी नहीं निकल रहा है। चलिए अब कुछ ही देर में छठ भी खत्म होने वाला है, फिर कल सुबह होगा। आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर कल सुबह दिखाएंगे वीडियो का, कल सुबह भी किस तरह मनाया जाता है सूरज। हम
लोग उधर जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे से बहुत फटेके फोड़ रहे हैं, कहीं हम लोग के ऊपर ना आ जाए ना जाए या कुछ हो जाए, फटाके तो जानते करते फटाका किसी का नहीं होता है। तब आज का वीडियो इतना ही, आप सब साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक, जय हिंद जय भारत।